प्रयागराज शहर के पौश इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवादित होर्डिंग लगवाई गई थी जिसमें बाय बाय मोदी लिखा था। पुलिस ने आनन फानन में ये होर्डिंग हटवा दी थी। अब पुलिस ने पोस्टर लगाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज में 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग लगाए जाने के मामले में पुलिस ने सोमवार देर रात 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि तेलंगाना से साजिश रची गई है और ये पोस्टर तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS के एक नेता ने फोन के जरिए एक इवेंट मैनेजर के कंपनी संचालक से छपवाए गए थे। दरअसल 9 जुलाई को शहर के पुलिस लाइन RD पैलेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवादित होर्डिंग लगवाई गई थी जिसमें बाय बाय मोदी लिखा था। पुलिस ने आनन फानन में ये होर्डिंग हटवा दी थी और अज्ञात पर मुकदमा लिख लिया था। फिर पुलिस ने PM मोदी की छवि धूमिल करने की पड़ताल शुरू की। पुलिस सबसे पहले उन मजदूरों तक पहुंची जिन्होंने इसको लगाया था और कड़ी से कड़ी मिलते हुए इससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 5 को गिरफ्तार कर लिया है। होर्डिंग छपवाने के लिए कंपनी संचालक को तेलंगाना से फोन आया और उसे 10,000 रुपए में ठेका दिया गया था। 2 दिन पहले स्टेनली रोड पे RD पैलेस के पास नगर निगम के लगे हुए एक यूनिपोल पे जो एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से लगा हुआ था खाली था, उस पर रात को मालूम चला कि एक एडवर्टाइजमेंट लगाया गया है जो काफ़ी आपत्तिजनक और अपमानित करने के इरादे से लगा हुआ था, जो तथ्य से भी परे था। उसको तुरंत ही FIR दर्ज करके पुलिस खोजबीन में लगी हुई थी। CCTV कैमरों से उसमें फिर तस्दीक हुआ कि 2 लोग मोटरसाइकिल से सीढ़ियाँ लेकर के जा रहे थे रात में, फिर उनकी पहचान हुई। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ से मालूम चला कि जो प्रेस है वह यहीं का है, एक लड़का रहने वाला इलाहाबाद का ही, उसके प्रेस से ये प्रिंट छपा था और उसी आधार पर जो उसमें शामिल सभी लोग जो पोस्टर लगाने में थे या छापने में थे और जो प्रिंट का मालिक है, सभी 5 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इनसे पूछताछ पे कुछ अन्य लोगों के नाम भी आया है जो इसके पीछे हैं, जिनका पर्पज़ था छपवाने का, उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, ऐसा माना जा रहा है कि पांडुचेरी से इसके लिए कोई पेमेंट वगैरह? ये क्योंकि अब केस रजिस्टर्ड है और एक्यूज्ड का ही वर्जन आया है तो उसको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। उसको उस पर एक मोबाइल नंबर आया है जिसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। जो पोस्टर लगा हुआ था वो उस पर कुछ पॉलिसीज को लेकर कमेंट किए गए थे।